बेटे अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ अपनी दौड़ लगाएंगे और वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दो टर्म्स हैं। ये खूबसूरत सा बच्चा बताएगा, ये छोटे हाइट का प्यारा सा सुंदर सा बच्चा है संदीप, ये बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऐसा डिफरेंस बताए कि आत्मा तृप्त हो जाए, मन का मिलन, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। बताइए, शर्मा गए, शिवम बताएगा, राप्ती का मन कर रहा है, राप्ती का कर रहा है, राप्ती बताएगी, ना भूल रहा हूँ आज क्या तेरे चक्कर में आ रहा है, बार बार भूल जाता हूँ, बरदान दे पर तेरे लिए दिया, बस तेरा ही बोलता है, इतना प्यारा नाम है, पता नहीं क्या हो गया प्रिया, दिमाग से निकल रहा है। चलिए प्रिया प्रिया तो गाना नहीं लगता, वो लगा जाते हैं सुनना पड़ेगा तब तब याद होगा। हाँ बताइए क्या डिफरेंस है, ये तो आप कहानी किस्सा सुना रहे हैं, ज्यादा दो टूक जवाब दो। लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कितना रिलेशन है। तो दो शब्दों का है, वो बताता है क्या, ये बताता है कितना, नहीं समझे आप, वो कहता है क्या रिलेशन है, इनवर्स, डिमांड बढ़ेगी कब, जब प्राइस कम होगा, प्राइस कम डिमांड अप, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, ये बताते कितना कम कितना ज्यादा है, मतलब तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है रिस्पॉन्सिवनेस, क्या बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। कैसा लगा मेरा डायलॉग, तो इलास्टिसिटी बताता है क्या, नहीं बताता क्या, कौन बताता था, लॉ ऑफ डिमांड। बच्चे कई बार क्या कहते हैं, ये क्या बताता है, गलत, ये क्या नहीं बताता, ये क्या बताता है, कितना, तो क्या के साथ तो हम इस लाइन को काटेंगे, क्या कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, कितना, राइट। तो इसको निकालने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड को हम बोल देते चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, और चेंज इन प्राइस को कह देते चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। 100 ने 100 को काटा, 100 ने 100 को काटा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो इसमें जो डेल्टा क्यू है वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या है, चेंज इन प्राइस, ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस, ये क्या है, ओरिजिनल डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, समझा, मस्त। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या चीज स्टडी करती है, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। कैसा लगा गिरीश, तरुण, अब तरुण बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देखो, तो ये नशा आ जाए, झूमना शुरू कर दिया। अब ये सब बातें जो मैंने अभी बताई है यहाँ पे लिख के भी दिखा दी, ये सारा मैंने ड्राइव कराया,
आपको ठीक लगता है पहले मैं सारा ड्राइव करा के दिखा देता हूँ फिर आपको रिटर्न भी दिखा, नहीं या एक ही अच्छा लगता है? बेटर है, रिवाइज हो जाता है। तो चेंज इन प्राइस नहीं, डायरेक्ट टू, क्या कह रहा है? ओरिजिनल क्वांटिटी क्यू है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ आ जाएगा ना, मैंने इसलिए सब चीजें यहाँ लिख दी है। इधर देखो, यहाँ मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला दे दिया, अब देख लिया पप्पू हमारा। यहाँ मैंने उसको जैसे फॉर्मूला लिखा जैसे पहले करके दिखाया, फिर ड्राइव करा के फॉर्मूला ड्राइव कर दिया और इनके मतलब लिख दिया। कोई चीज क्लियर ना हो यहाँ भी देख सकते हो। क्यों बेटा, दो दो टिकट दे दिया आपको, चले। अब बेटा टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ध्यान से सुनो बेटा, आप सुन नहीं रहे, मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कई सारी वैल्यू हो सकती है। एक ईडी इक्वल टू जीरो, एक ईडी इक्वल टू वन, एक ईडी इक्वल टू इंफिनिटी, बीच में ईडी लेस देन वन, ईडी मोर देन वन। अब मैं पहले अपनी देसी भाषा में समझाता हूं फिर लिखा हुआ पढ़ाऊंगा, चले। ED इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, रिपीट, मतलब प्राइस चेंज हुआ, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसको एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई आपको चांटा मार रहा है, थोड़ा उदाहरण ले लें। प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगा दिया, राप्ती ने कुछ बोला ही नहीं, भाई साहब रिस्पॉन्स ही नहीं है, रिपीट, रिस्पॉन्स ही नहीं है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, नो रिस्पॉन्स। प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगाया, राप्ती ने कुछ कहा ही नहीं, वो काम कर रही है, अपना करती जा रही है, नो रिस्पॉन्स। प्राइस चेंज हुआ, डिमांड में चेंज ही नहीं आया, नो रिस्पॉन्स, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगाया, राप्ती बोली क्या है, क्या बोली, क्या है, हल्का सा रिस्पॉन्स है, क्या है, हल्का सा रिस्पॉन्स, यानी डिमांड प्राइस बढ़ गया 20%, डिमांड गिरी 5%, 20% बढ़ गया प्राइस, डिमांड गिरी 5%, हल्का सा रिस्पॉन्स है। इसको बोलते हैं हाईली इनइलास्टिक, क्या बोलते हैं, मतलब हल्का सा रिस्पॉन्स है, रिपीट, मतलब प्रिया ने चांटा लगाया तो राप्ती का रिस्पॉन्स क्या है, क्या है, हल्का सा रिस्पॉन्स है। अब तीसरी स्थिति मैं दिख रही कि प्रिया ने एक चांटा लगाया राप्ती को, राप्ती खड़ी हुई, वैसे ही एक चांटा खटाक से वापस मारा, इक्वल रिस्पॉन्स, क्या प्राइस बढ़ा 20%, डिमांड कम हो गई 20%, इक्वल रिस्पॉन्स, सेम रिस्पॉन्स। इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। नहीं समझ आया? तो यहां तो क्या आया, नो रिस्पॉन्स, क्या आया, नो रिस्पॉन्स, यहां क्या आया, लेस रिस्पॉन्स। सही बताओ, आज सही मायने में इलास्टिसिटी समझ में आ रही है ना, ये तो आपने घोटे लगा रखे होते हैं। लेस रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स के लिए छोटा लिख दो रेस्ट करके, और इसमें इक्वल रिस्पॉन्स, क्या आया। अब चौथी स्थिति मैंने करी, प्रिया ने राप्ती के एक चांटा लगा, राप्ती खड़ी हुई, वैसे ही ठैक 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 चार चांटे लगा दिए, कितने लगा दिए, चार, मोर रिस्पॉन्स, क्या, मोर रिस्पॉन्स, यानी प्राइस बढ़ा 20%, डिमांड गिर गई 60%, 70%, ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया। इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। अब भाई साहब लास्ट वाला बड़ा खतरनाक है, प्रिया ने राप्ती को कुछ भी नहीं कहा, अचानक राप्ती खड़ी दे दरादा मारने शुरू कर दी, यानी खाम खा का रिस्पॉन्स, क्या मतलब प्राइस चेंज नहीं हो रहा, रिपीट, प्राइस नहीं चेंज हो रहा फिर भी डिमांड चेंज हो रही है भाई साहब, खाम खा, मतलब प्रिया ने कुछ नहीं कहा, अचानक राप्ती खड़ी खड़क खड़क पांच सर लगा दी। इसको बोलते खाम खा का रिस्पॉन्स, क्या, इसको बोलते परफेक्टली इलास्टिक। अब बताओ पूरा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आप मतलब क्या है, सुनिए, प्राइस चेंज हुआ, डिमांड चेंज ही नहीं हुई, तो परफेक्टली इन इलास्टिक।
डिमांड हल्की सी चेंज हुई हाईली इनइलास्टिक, इक्वल चेंज हुई यूनिट इलास्टिक, ज्यादा चेंज हुई हाईली इलास्टिक, और प्राइस चेंज नहीं हुआ और खाम का ही डिमांड चेंज हो रही है तो वो क्या हो गया परफेक्टली इलास्टिक। कैसा लगा खून में मिल गया एकदम एग्जाम बच्ची कहती प्रिया कहती गाल दर्द हो गई सर। अब सुनिए मैंने यहां पर लिखा है देखिए ध्यान से, अब मैंने ये अलग ऑर्डर में लिखा, आपको ये वाला ऑर्डर ज्यादा अच्छा लगा होगा पर ये अलग ऑर्डर में लिखा है कि समझाना तो है ना इसको। इलास्टिसिटी इज यूनिटी मतलब व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस हैज बीन एक्कॉम्पनीड बाय इक्वल प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब दोनों का प्रोपोर्शनेट चेंज क्या है सेम। मोर देन यूनिटी मतलब चेंज इन प्राइस जो है तो चेंज इन डिमांड है वो प्राइस के मुकाबले ज्यादा है मोर है। लेस देन यूनिटी मतलब जो चेंज इन डिमांड है वो लेस है किससे प्राइस के चेंज। इंफिनिटी मतलब प्राइस तो चेंज नहीं हो रहा और डिमांड खाम का चेंज हो रही है तो एग्जांपल है। और जीरो इलास्टिसिटी मतलब चेंज इन डिमांड क्या है ही नहीं। जच गया आपको थोड़ी ठीक लगी पर वो मेरे वाली बात ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि माइंड में बैठ गई मतलब पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ श्योर लिख लीजिए कहा जाऊं अब पता है क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी स्लोप में रिलेशनशिप होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं देखो जैसे ये आपका स्लोप इसको स्लोप कहते हैं तो स्लोप किस तरह की उस तरह के हिसाब से आपका रिलेशनशिप होता है। देखो अगर अगर ऐसा करो इसको कहते हैं स्लोप ये होगी परफेक्टली इलास्टिक मतलब स्लोप में और इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशन मतलब स्लोप बढ़ती जाएगी रिलेशन इलास्टिसिटी कम होती जाएगी इनवर्स रिलेशन। अब जैसे इसमें क्या है इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है क्या है परफेक्टली इलास्टिक मतलब स्लोप तो है ही नहीं देखो जी इसमें स्लोप क्या है यहां पे खड़ा गिर थोड़ी जाएगा स्लोप तो है ही नहीं तो इसकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है सबसे ज्यादा। अब इस वाले को देखो इसमें हल्की सी स्लोप आ गई तो इसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन हाईली इलास्टिक क्या हो गई हाईली इलास्टिक ठीक। अब ये देखो अगर ऐसे यूनिफॉर्म हो जाए बराबर तो ये यूनिट इलास्टिक है तो आप देखो स्लोप बढ़ती जा रही है इलास्टिसिटी कम होती जा रही है। अब देखो ये वाली स्लोप ज्यादा खतरनाक नहीं है ज्यादा स्टीप नहीं है इधर खड़े हो गए तो गिरने का डर क्या है ज्यादा तो ये क्या है ये हाईली इन इलास्टिक समझ गए ये लेस देन वन हो और एकदम खड़ा कर्व हो जाए जिसकी स्लोप मैक्सिमम होती है सबसे ज्यादा स्लोप तो इसी की है इस पर तो छिपकली चढ़ सकती है आप चल के दिखा सकते हो चढ़ नहीं सकते छिपकली चढ़ सकती है इस पर तो चढ़ जाओगे थोड़ा टेढ़ा इसकी सबसे ज्यादा स्लोप है तो इसमें इलास्टिसिटी क्या होती है जीरो इलास्टिक या क्या कह दो परफेक्टली इन इलास्टिक समझ आया। ये तो मैंने यहां भी लिखा सारे मैंने यहां लिखा जब मैक्स जीरो स्लोप है तो इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है जब लेस स्लोप है तो इलास्टिसिटी हाई है जब प्रोपोर्शनेट स्लोप है तो इलास्टिसिटी यूनिट है और जब हाई स्लोप तो इलास्टिसिटी क्या है इन इलास्टिक है और जब मैक्सिमम स्लोप है तो इलास्टिसिटी जीरो है ही तो स्लोप बढ़ती जाएगी इलास्टिसिटी कम कैसा लगा क्लियर।
कोई डाउट? अब आपने ये समझ में आ गया सर, आप YouTube पे भी देख सकते हो, मेरे YouTube पे सैंपल बड़े डले हुए हैं, मैंने बच्चों के लिए ऐसी फ्री वीडियोस डाले हुए YouTube पे, आप सैंपल देख सकते हो, उसका लिंक पता है आपको, पता आप लिखो http://, ठीक है ना, उसके बाद youtube.com, फिर एक स्लैश, फिर माइस कर दो, बिल्कुल सिंपल है। YouTube पे आप मेरा नाम भी डालोगे CMA के जैन वीडियोस, तो पता नहीं कितनी सारी वीडियोस आ जाएगी, CMA के जैन वीडियोस डाल दो बहुत लिंक आ जाए, माइस करियर डाल दो ढेरों लिंक आ जाए, ये मेरा चैनल का नाम। तो आपको समझ में आ गया, परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, जैसे जैसे स्लोप क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इलास्टिसिटी कम होती। अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। अब सुनना, इसके तीन मेथड्स हैं, कितने? तीन मेथड। एक पॉइंट इलास्टिसिटी, एक आर्क इलास्टिसिटी और एक ग्राफिकल मेथड। लिख लीजिए, कितने मेथड है? तीन, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, ग्राफिकल इलास्टिसिटी, ग्राफिकल मेथड। क्लियर? चले कोई डाउट? अब पॉइंट इलास्टिसिटी तब लगता है जब, पॉइंट इलास्टिसिटी तब लगता है जब, पॉइंट इलास्टिसिटी तब लगता है जब हल्का सा चेंज हो। क्या इतनी जल्दी नहीं बोला, हल्का का हुआ, हल्का सा चेंज हो। क्या फिर जल्दी बोल दिया, पहले तैयारी करो, हल्का सा चेंज हो। क्या करुण का सबसे बढ़िया होता है, जैसे प्राइस 9 रुपए से बढ़कर 9 रुपए 10 पैसे हो, प्राइस 9 रुपए से बढ़कर 9 रुपए 10 पैसे हो। आर्क इलास्टिसिटी होते जब खासा चेंज हो, रिपीट, मतलब जैसे प्राइस 9 से बढ़कर 15 हो गया। अभी बात समझ में आई, कौन से वाला? हल्का सा चेंज तो पॉइंट इलास्टिसिटी, ज्यादा चेंज तो आर्क इलास्टिसिटी। तो ग्राफिकल भी खैर पॉइंट के लिए ही होता है, हल्के वाले चेंज के लिए, वो ग्राफिकल में। पहले बताओ समझ आया था? क्लियर? ग्राफिकल भी हल्का वाला है, पॉइंट लिख दिया ना, पॉइंट मतलब हल्का, पॉइंट मतलब ही होता है कि बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ, पॉइंट जितना चेंज हुआ कुछ नहीं है, दोनों के फॉर्मूला में फर्क है। देखो मैं तो बताता हूं, ये क्लियर हो गया? मैं तो बताता हूं, फिर तुम्हें पढ़ा हुआ दिखाऊंगा, पहले मैं एक स्लाइड डालता हूं, ठीक नहीं? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, दो फॉर्मूले हैं, एक तो क्या पॉइंट, ये तो मैथमेटिकल मेथड है, पॉइंट और आर,
पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी जीरो प्लस पी एन अपॉन क्यू जीरो प्लस क्यू एन। समझे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये है प्राइस और ये है डिमांड। प्राइस दस रुपए से बढ़कर दस रुपए बीस पैसे हो गया, डिमांड सौ यूनिट से घटकर 98 हो गया। हल्का हल्का चेंज है तो आपका पॉइंट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, क्या बताओ चेंज इन क्वांटिटी माइनस दो, चेंज इन प्राइस क्या प्लस बीस पैसे। ये ओरिजिनल हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। ओल्ड प्राइस क्या है, ये ओल्ड लेते हैं, ओल्ड या ओरिजिनल। ओरिजिनल प्राइस क्या है दस, ओरिजिनल डिमांड क्या है सौ। देखना आंसर क्या आता दो क्या आता है। बेटे अंडे दे रहे हैं आप, जल्दी करिए। एक आ रहा है मेरे हिसाब से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव आती है सर। नेगेटिव मतलब क्या होता है, इनवर्स रिलेशन। फिर आप इसका मॉड ले लेते हो, क्या ले लेते हो मॉड, तो वो वन आ गई। तो इसको आप क्या बोलोगे, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक गलत बोल गया, यूनिट इलास्टिक। चेक कर रहा था मैं, बच्चे फर्स्ट आए दो तीन, यूनिट इलास्टिक। क्लियर। अच्छा इसमें क्या होगा, जब चेंज क्या हो ज्यादा, ओल्ड न्यू, प्राइस डिमांड। प्राइस है 10 बढ़ के हो गया 15, डिमांड थी 100 घट के रह गई 50। आया आप समझ, आया। तो अब इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन डिमांड माइनस 50, चेंज इन प्राइस क्या है प्लस 5। अब यहां लोगे ऊपर ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, और नीचे लोगे ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड। नहीं समझ आई बात, आया मजा। तो देखो क्या आता आंसर, दाप्ती बेटा आराम कर रहे हो, निकालो कैलकुलेटर से, निकाले बेटा मसल्स बाद में बनेंगे, पहले आंसर निकाल। बना रहे देखना, यहाँ का बन गया 1.67। बेटे आप किसी बच्चे की हेल्प लीजिए, 1.67 मोर देन वन है, इसलिए हाईली इलास्टिक। आ गया समझ में आप। इसमें अगर आपने पॉइंट वाला लिखा दिया ना तो आंसर गलत आ जाएगा। रिपीट बोलिए, मैं लगा के दिखाता, पॉइंट विल गिव रॉन्ग आंसर, विल गिव रॉन्ग आंसर। लेकिन ध्यान से सुनते मेरी बात, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में प्रॉब्लम होती है। वो क्या आंसर देगा, इसको मॉड ले लेते हैं ना, मॉड से क्या होता है फिर वो प्लस में आता है आंसर 5, वो जगह इंटू 10/100। तो इससे देखो आंसर 1 आ रहा है, उससे क्या आंसर आ रहा है यूनिट इलास्टिक। समझ आ गया आपको मेरी बात। अब अगर चॉइस में, मेरी बात ध्यान से सुनिए, चॉइस में 1.67 नहीं दिया हुआ, रिपीट, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो और चॉइस में 1.67 ना दिया हो, 1 दिया हो, तो फिर आप 1 टिक कर दो। इसका मतलब ये होगा कि एग्जामिनर ने इसमें गलत फॉर्मूले से आंसर दे दिया, रिपीट। तो फिर तो चार है ना, उसको टिक करना। अगर 1 दिया और नन ऑफ दिस दिया, रिपीट, तो आप नन ऑफ दिस को टिक कर। लेकिन अगर उसने खुद ही बोला है कि पॉइंट निकालो, रिपीट, यानी गलत वाली निकालो क्या, तो फिर तो गलत वाला आंसर टिक कर ही देना, वो खुद बोलेगा। ये थोड़ी सी जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, वो ध्यान देते हैं इस बात का, पॉइंट और आर्क का। पॉइंट कब लगाना है, हल्का सा, आर्क कब लगाना है ज्यादा। पर मैंने देखा है स्कूल में टीचर्स वगैरह जब आपको पढ़ाते हैं, सभी पॉइंट से कराते हैं, चेंज ज्यादा हो चाहे कम, उससे आंसर गलत होता है। तो आपके कोर्स के अंदर पॉइंट आर्क दोनों हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर पंगा आ जाए तो अगर आर्क वाला आंसर ना दे रखा हो तो पॉइंट वाला टिक कर, ये थोड़ा सा रिस्क होता है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत लोग गलती करते हैं। आपको बताया गया था ट्वेल्थ में आर्क के बारे में, कभी किसी ने नहीं बताया, तो देखो कितनी भारी कमी है। समझ गए, मजा आ गया।
एक मेथड और होता है जिसकी चर्चा मैंने की नहीं, एक मेथड और होता है, वो होता है टोटल आउटगो। कितना? टोटल आउटगो। तो आप ये कह सकते हो कि जिसको हटा दो, चाहे चार कह लो मेथड, क्या कह लो, चार, या ग्राफिकल को किस में जोड़ दो, पॉइंट में, क्यों, इसको कह दो टोटल आउटले, ठीक है ना, और ग्राफिकल को इसी में जोड़ दो पॉइंट, ये दो कह दो, एक तो न्यूमेरिकल, रिपीट, न्यूमेरिकल और दूसरा ग्राफ। अभी मैंने आपको कौन कौन से कराए, पॉइंट का न्यूमेरिकल और आर का न्यूमेरिकल, बिल्कुल क्लियर हुआ आपको, बड़े कोई डाउट तो नहीं है, गिरीश पॉइंट समझ में आ गया, अब आगे देखिएगा। अब यहां मैंने लिखा भी हो आपके लिए, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिजाइन, कौन सा मेथड, और इसमें मैंने क्या बोला है कि जो पी वन और क्यू वन के हैं, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, अब मैंने यहां बता दिया कब लगाना है, कैसे, हल्का सा चेंज हो तो यह फॉर्मूला लगता है, समझ आ गया, राइट, यहां भी लिख दिया माइनस टू, अच्छा लग रहा होगा, थ्योरी की स्लाइड भी बड़ी बढ़िया बना रखी आपने, मजा आ गया। और फिर मैंने यहां बताया एक क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको कराया था उसमें मैंने 10 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए 20 पैसे किया था, या 10 रुपए से घटाकर 9 रुपए 50 पैसे, वही क्वेश्चन है इस तरह, 10 रुपए से प्राइस घट के क्या हो गया, 9 रुपए 50 पैसे, तो चेंज इन प्राइस क्या हो गया, 50 पैसे, क्लियर, और डिमांड 2000 से बढ़कर क्या होगी, 2060, तो चेंज इन क्वांटिटी क्या हो गया, 60 यूनिट। वैसे ये वाली चीज नेगेटिव है और ये वाली चीज प्लस है, क्यों, प्राइस कम हुआ है और डिमांड बढ़ी है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, 10 रुपए, ओरिजिनल डिमांड क्या है, 2000, यहां ले लिया 10, यहां ले लिया 2000, और मैंने कहा था फॉर्मूले को क्या कर देते हैं, मॉड, अगर मॉड नहीं लगाओगे तो ईडी सदा नेगेटिव आएगा, रिपीट, तो वो 0.6 आ गया, 0.6 है तो वो क्या हो गया, लेस देन 1। ग्रीस समझ आया, रिपीट करो, मजाक वाली बात नहीं, वेरी नाइस। अब आर इलास्टिसिटी, आर में मैंने कहा था वही फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्या लोगे, ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, और ओरिजिनल क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी, आ गया, दिख भी दिया मैंने आपके लिए सबके मतलब, ठीक है। और ये कब लगाते हैं, व्हेन चेंजेस आर क्वाइट क्वाइट लार्ज, ऐसे ही आप हर जगह लगा लो ना तो ये एग्जैक्ट आंसर है। आर्क में से कम वाले में भी लग सकता है, रिपीट, एक्चुअली कम वाले में क्या होता है कि आर्क लगाओ चाहे पॉइंट, आंसर में थोड़ा सा फर्क होता है, ना के बराबर, लेकिन ज्यादा वाले में अगर आर्क लगाओगे तो ठीक आएगा, पॉइंट का गलत आता, तो थोड़े वाले में पॉइंट का ठीक आ जाता है, यानी पॉइंट देखा जाए तो सही मेथड ही नहीं, वो तो क्विक निकालने के लिए, रिपीट, और देखा जाए आर्क सदा ही क्या है, बेस्ट, आ गया पूरा समझ। अब मैंने यहां क्वेश्चन दिया कि जब दो प्राइस जो है 10 रुपए से गिर कर क्या हो गया, 5 रुपए, तो फॉल इन प्राइस क्या हो गया, -5, और डिमांड 2000 से बढ़कर क्या होगी, 2500, तो डिमांड प्लस होगी, ऊपर ले लिया ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस, नीचे ले लिया ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड, और इसका मॉड लेंगे, इंप्लाइड होता है, मॉड किस लिए लेते हैं, ताकि आंसर माइनस की जगह पॉजिटिव आए, नहीं तो इलास्टिसिटी और डिमांड का आंसर सदा क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया 0.37, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1, हाईली इनइलास्टिक। कैसा लगा, मजाक वाली बात नहीं बेटे, क्लियर है कि नहीं, देख लो, बिल्कुल समझ में आ गया, मैम झूठ नहीं बोलना बेटा, भूत खा जाएगा आप, कैसा लगा, कैसा लग रहा बेटे। अब तीसरा मेथड करते हैं, फिर ग्राफिकल रह जाएगा बस, वो थोड़ा हटके पहले तीसरा का है। टोटल आउटले में हम पता क्या करते हैं, ध्यान से देखो, पहले अपना अपनी स्लाइड से पता पूछो क्यों, अपनी स्लाइड का मजे की नहीं, तो टोटल आउटले क्या कहता है, ध्यान से सुनो, वो कहता है आपको प्राइस दिया होता है, क्वांटिटी दी होती है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल आउटले निकाल,
कैसे निकलेगा वो, प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब प्राइस और टोटल आउटले को कंपेयर करो, रिपीट, अगर प्राइस बड़ा है और साथ में टोटल आउटले भी बड़ा है, या प्राइस गिरने से टोटल आउटले गिरा है, मतलब दोनों का रिलेशन क्या है, सेम, रिपीट, सेम। तो इसका मतलब इन इलास्टिक डिमांड, क्या है, इन इलास्टिक मतलब लेस देन वन, ईडी लेस देन, यानी सेम रिलेशन। रिपीट, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम ही नहीं हुई खास, तो टोटल आउटलेट ज्यादा बढ़ गया। रिस्पॉन्स क्या है, कम आया, कम आया तो इन इलास्टिक। अब अगर प्राइस बढ़ने से टोटल आउटलेट गिर जाए, इसका मतलब पता क्या होता है, प्राइस बढ़ा तो लोगों ने डिमांड ही गिर दी ज्यादा, उससे प्राइस इनटू क्वांटिटी गिर गई। यानी दूसरे शब्दों में अगर प्राइस गिरे तो टोटल आउटलेट बढ़ जाए, तो इसका मतलब रिस्पॉन्स क्या है, ज्यादा है, रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो फिर कौन सी डिमांड होगी, इलास्टिक, यानी ईडी इक्वल टू ईडी ग्रेटर देन वन, ईडी ग्रेटर देन वन। और अगर प्राइस बढ़ने से या प्राइस गिरने से टोटल आउटले सेम रहे, रिपीट, टोटल आउटले सेम रहे का मतलब होता है कि प्रोपोर्शनलिटी चेंज आया, रिपीट, जैसे प्राइस दुगना हुआ तो डिमांड आधी होगी, प्रोपोर्शनल चेंज आया, तो इसका मतलब यूनिट इलास्टिक, ईडी इक्वल टू वन मतलब यूनिट इलास्टिक। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, तरुण कैसा लग रहा है, अब एग्जांपल देखो, 10 रुपए प्राइस था और डिमांड थी 100, प्राइस गिर के हो गया 5, डिमांड बढ़ के होगी 200। अब टोटल आउटले निकालो क्या, 1000, और ये क्या है, 1000। तो प्राइस चेंज हुआ पर टोटल आउटले सेम रहा, तो ये क्या हो गया, यूनिट इलास्टिक, क्या हो गया, यूनिट इलास्टिक। दूसरा केस देखिए, अच्छा लगता है आपको मेरा स्टाइल, ये एग्जांपल्स का छोटे छोटे। अब मान लो डिमांड बढ़ के होगी 150, रिपीट, मल्टीप्लाई कर दो 750, बताओ प्राइस गिरा टोटल आउटले गिर गया, रिस्पॉन्स आया ही नहीं, रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो ये क्या है, इन इलास्टिक, क्या हो गया, इन इलास्टिक, समझ आ गया ना। तीसरा केस, प्राइस गिरा और डिमांड भाई साहब धड़ल्ले से 250, तो ये क्या हो गया, 1250। तो प्राइस गिर रहा है और टोटल आउटलेट बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, इलास्टिक। अब बताओ मजा आया कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यही बात जो मैंने प्यार से समझाई यहां पे लिखा हुआ है कि यूनिट इलास्टिक कब होता है, जब प्राइस के चेंज होने से टोटल आउटलेट क्या रहे, सेम। जब प्राइस 5 था, डिमांड 200 थी, 5 × 200 टोटल आउटले 1000, प्राइस गिर के 4 हुआ, डिमांड बढ़ के 250 ही, पर टोटल आउटले क्या हुआ, 1000, यानी टोटल आउटले में कोई चेंज नहीं है, तो डिमांड क्या है, यूनिट इलास्टिक। और मोर देन वन कब होगी, जब प्राइस तो करे फॉल और टोटल आउटले करे इंक्रीज, यानी रिलेशन क्या हो, इनवर्स। कौन सा रिलेशन हो, इनवर्स, इनवर्स तो मोर देन वन, और अगर डायरेक्ट रिलेशन हो क्या हो, तो लेस देन वन, दोनों सेम सेम लेस देन वन, दोनों उल्टे पुल्टे मोर देन वन, टोटल आउटलेट चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स्ड है, तो यूनिट इलास्टिक। कैसा लगा, अब एक बेहतरीन चीज और बता दूं, बिल्कुल नशा आ गया, कहो तो कहो, मैं आपको ये दिखाऊंगा पॉइंट इलास्टिसिटी गलत आंसर देता है, ये दिखाता हूं, आप चकित रहे, दिखाओ एक स्लाइड डाल दी, ना पॉइंट इलास्टिसिटी वाला गलत होता है, तो मैं आप प्रूफ करूं। देखो ये लड़का बहुत बातें कर रहा है, क्यों कर रहा है अभी बात, मैं कब कह रहा हूं, कल बात कर रहा था, अभी तो कह रहा हूं। अब सुनिए, ये प्राइस, मैं आपको क्या प्रूफ कर रहा हूं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको, ये डिमांड और ये क्या है, टोटल आउटलेट। अब प्राइस 10 से कम होकर 5 आया, तो डिमांड हमने कहा 100 से बढ़ के 200 हो, तो टोटल आउटलेट यहां क्या हो जाएगा, 1000, यहां क्या हो जाएगा, 1000, तो कौन सी डिमांड हुई, यूनिट इलास्टिक हुई कि नहीं हुई। अब आप आर्क से निकाल के देखो आंसर, किससे, आर्क से, आर्क क्या कहता है, चेंज इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड क्या है, 100,
सौ से बढ़कर 200 हो गई ना, अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस क्या माइनस 5 कम हो गया, इनटू ओरिजिनल प्राइस प्लस न्यू प्राइस अपॉन ओरिजिनल डिमांड प्लस न्यू डिमांड। चेक करके देखो आंसर 1 आ रहा होगा, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो मॉड कर दिया ना, 1 आ रहा है, देखा 1। अब आप पॉइंट से निकालो, 1 आ रहा है ना, पॉइंट से निकालो गलत आएगा, देखो चेंज इन डिमांड प्लस 100 अपॉन चेंज इन प्राइस माइनस 5। अब यहां लोगे ओरिजिनल प्राइस 10, ओरिजिनल डिमांड 100। अब देखो आंसर कुछ और है, क्या आ रहा है, 2। तो गलत आया कि नहीं आया, टोटल आउटले क्या कह रहे हैं, यूनिट इलास्टिक, आर्क भी क्या कह रहे हैं, यूनिट इलास्टिक, और पॉइंट इलास्टिक क्या कह रहे हैं, 2। वो तो हाईली बता रहे हैं, तो ये रॉन्ग आंसर नहीं हो गया, देखा जाए रॉन्ग आंसर क्यों हुआ, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा है, रिपीट तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए पॉइंट, आपने जबरदस्ती पॉइंट लगा दिया तो आंसर गलत आ गया। हिसाब से तो मैंने एक अच्छी बात बताई आपको, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कई लोग नहीं बताएंगे आपको ये बात कि आर्क इलास्टिसिटी सदा ही ठीक आंसर देता है, पर जरा पॉइंट इलास्टिसिटी लगाने में क्या है, कोई कहना इसलिए लोग पॉइंट फॉलो करते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, मेरे हिसाब से तो पॉइंट पढ़ाना चाहिए, आर्क ही पढ़ाओ जब आर्क सही देता है, आर्क सदा सही देगा, पॉइंट तो बस तभी सही देगा जब ओल्ड और न्यू ऑलमोस्ट सेम हो, रिपीट हल्का चेंज होने से क्या होगा, ओल्ड और न्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तब आंसर सेम हो जाएगा। अब मजा आया आपको, पूरा लगा या ऐसी कच्चा कच्चा समझ में आया, बस समझ में आ गया होगा बिल्कुल थीम लॉजिक के साथ, यहां से लिखना है ना, यहां से लिखोगे ना टोटल आउट, बेटे अब हम करेंगे चर्चा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्राफी के लिए। पहली बात, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब चेंज इन डिमांड एंड प्राइस बहुत हल्का सा, मतलब उसमें डिमांड और उसमें बड़ा कम चेंज है, अब इसका डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे ये डिमांड कर रहे हो आपको यहां पर निकालना है इलास्टिसिटी, तो आप कर क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ पर, जिसको टेंजेंट हो, क्या हो, टेंजेंट, ऊपर से खींचिए यहाँ पर, ठीक खींच गई ना, अब ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया ए, ये कह लो ई और ये कह लो बी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी ई बी अपॉन ए ई, और नोट करो, नोट करो ई बी ए बी से बड़ा है साइज, देखो तो इसका ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी, मोर देन, कैसा लगा, तो इस लॉ जिस डिमांड के जिस भी पॉइंट पर आपने क्या निकालना है इलास्टिसिटी, वहां एक टेंजेंट बनाओ, दोनों एक्सिस को टच कराओ, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाओ, देखो एक और, ठीक है, अब ये डिमांड करो इस पॉइंट पे निकाल लीजिए, ऊपर चला गया ये नीचे, ठीक है, अब पॉइंट ये हो गया ए, ये हो गया ई, ये हो गया बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट क्या हो गया ई बी, अपर सेगमेंट क्या हो गया ए ई लेस देन वन, क्यों, अब की बार लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से छोटा, कैसा लग, समझा, अगर लीनियर डिमांड कर्व, रिपीट लीनियर डिमांड कर्व होता है जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है, क्या होता है, जैसे ये होगा राइट, इसका मिड पॉइंट खोज दो, ठीक है मिड पॉइंट, ठीक है, तो मिड पॉइंट पे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी, क्यों, क्योंकि लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट क्या होगा, अपर सेगमेंट क्या होगा, सेम, इसके नीचे आ जाओगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगी,
इधर आ जाओगे तो इलास्टिसिटी और डिमांड जीरो हो जाएगी क्योंकि इसका लोअर सेगमेंट तो है ही नहीं। यहाँ आ जाओगे इलास्टिसिटी और डिमांड मोर देन वन हो जाएगा। यहाँ आ जाओगे तो अपर सेगमेंट नहीं है तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट है नहीं तो वो जीरो हो गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है इनफिनिटी। तो फिर ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाए। कैसा लगा ये मैं बता रहा हूँ पॉइंट इलास्टिसिटी निकाल लो। रिपीट क्या निकाल लो क्लियर मजा आगे बढ़े। देखो हटा दो इसको तो अगर लीनियर डिमांड कर्व पे पॉइंट इलास्टिसिटी निकालना हो तो उसी डिमांड कर्व पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इलास्टिसिटी क्या होगी डिफरेंट। क्लियर कैसा लगा क्लियर। अब मैं आपको एक एक आर्क इलास्टिसिटी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं ये हटा दू तो आर्क इलास्टिसिटी होती है जब चेंज ज्यादा वो फिर डिमांड करके शेप पे डिपेंड करता है। मैं आपको छः पांच शेपें बना के दिखाता हूँ छोटी बना पहली अगर डिमांड कर ये हो तो नोट करो प्राइस चेंज हो रहा है डिमांड चेंज हो ही नहीं तो कोई रिस्पांस है ही नहीं तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो जाएगी जीरो। अब इधर देखो खड़ा सा कर रहा है अब वो प्राइस चेंज हुआ पी वन से आधा हो गया प्राइस रिपीट देख लो प्राइस मैंने आधा कर दिया पर डिमांड क्या डबल हुई है डिमांड तो थोड़ी सी बढ़ी है क्या बढ़ी है थोड़ी सी इसका मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड लेस देन वन ठीक। तीसरा केस देखो इसमें ध्यान से देखो पी वन से मैंने आधा कर दिया तो नोट करो डिमांड भी लगभग डबल हो गई है। देखो डबल नहीं हो गई प्राइस ज्यादा किया डिमांड डबल हो सेम प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है रिपीट तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी वन। आर्क में मैं चेंज क्या ले रहा हूं बड़ा बड़ा ले रहा हूं ना समझ आ गया। हाँ बेटे अब अगला देखो ऐसा डिमांड करो प्राइस मैंने आधा कर दिया ठीक है My God, repeat. My God. प्राइस मैंने आधा किया डिमांड क्या हो रही है डबल से बहुत ज्यादा इसलिए इलास्टिसिटी और डिमांड क्या हो गया मोर देन वन। कैसा लगा एक एक थीम समझ में आ रही होगी आपको ये वाला डिमांड। अब मैंने इसमें प्राइस चेंज ही नहीं किया रिपीट और क्वांटिटी क्या हो रही है खाम खा चेंज हो रही है याद है आपको एग्जांपल में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इनफिनिटी। क्लियर कोई डाउट खाम खा से बच्चों को याद आ गया मेरा एग्जांपल मजा आ गया। तो ये तो मैंने ग्राफिकल बता दिया पॉइंट इलास्टिसिटी का। पॉइंट में मैंने बताया जहां भी आपको इलास्टिसिटी निकालनी हो कर्व के ऊपर वहां पर एक टेंजेंट बनाए लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट कर्व। इस एग्जांपल में लोअर सेगमेंट क्या है बीसी अपर सेगमेंट क्या है एबी लगभग दोनों इसमें तो क्या है बराबर है तो इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी वन। क्लियर फिर ये वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एक ही डिमांड कर्व पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिसिटी बता दी कोई डाउट। मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या आएगी वन मिड से ऊपर क्या आएगी मोर देन वन मिड से नीचे क्या आएगी लेस देन बिल्कुल टॉप पे क्या आएगी इन्फिनिटी बिल्कुल बॉटम पे क्या आएगी जीरो। कोई डाउट अब हम चर्चा करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस चीज पर डिपेंड करती है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर रिस्पांस ज्यादा आता है तो गुड्स इलास्टिक होंगे रिस्पॉन्स कम आता है तो गुड्स इन इलास्टिक। अब हमने यही स्टडी करना है किस किस केसों में ज्यादा आता है और किस किस केसों में कम आता है। फर्स्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अगर किसी गुड्स के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं रिपीट बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है ज्यादा क्योंकि अगर आपने प्राइस बढ़ाया ना
तो कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, आपकी डिमांड काफी कम हो जाएगी। नहीं समझा? कोई चीज के अगर सब्स्टिट्यूट ज्यादा है ना, जैसे मोबाइल है, एक मॉडल है मोबाइल का, उसके सब्स्टिट्यूट तो बहुत सारे, अगर सैमसंग वाले उसका प्राइस बढ़ाते हैं तो कोई सैमसंग छोड़कर माइक्रोमैक्स ले लेगा, कोई लुमिया ले लेगा, कोई लावा ले लेगा, कोई एलजी ले लेगा, कोई सोनी ले लेगा, मतलब इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं तो डिमांड काफी कम हो जाएगी। रिवर्स भी उल्टा होता है, अगर प्राइस कम करोगे तो इतने सारे सब्स्टिट्यूट सबसे अगर थोड़े थोड़े बंदे भी आ गए तो डिमांड काफी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिसिटी, लेस सब्स्टिट्यूट लेस इलास्टिसिटी। एग्जांपल, अब पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट तो कोई है ही नहीं, अब पेट्रोल महंगा हो गया तो तू क्या करेगा संदीप? पानी डलवाएगा, डीजल डलवाएगा, क्या डीजल डलवा लेगा? वो पेट्रोल के इंजन में डीजल लगवा लेगा, कभी कुछ डलवाने की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी परमानेंट खत्म। वो तो प्रोडक्ट ही बदल गया ना, हम उस चीज की बात कर रहे हैं, बात है नहीं दस लो जैन से, तो यानी डिमांड तो कम हो गई ना चीज की। कैसा लगा जी? क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो उस केस में क्या होगा, अगर किसी का सब्स्टिट्यूट है जैसे पेट्रोल, तो अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड इतनी कम नहीं होगा, रिस्पॉन्स आता है पर कम आता, तो इसलिए वो इनइलास्टिक। अब अगर कमोडिटी क्या नेसेसिटी है, लग्जरी है, ये देखना पड़ेगा, अगर लग्जरी है तो फिर उसकी इलास्टिसिटी होगी इलास्टिक, क्यों? लग्जरी को आप पोस्टपोन कर सकते हो ना, छोड़ सकते हो। हवाई जहाज के टिकट महंगे हो गए, आप नहीं जाओगे, सस्ते हो गए तो ज्यादा जाओगे, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। नहीं मेरी बात सुनते, दूध महंगा हो गया तो मम्मी क्या करेगी? बड़ा दूध मत पिया, पानी से काम चला, वो नेसेसिटी। आटा महंगा हो गया, घर पहुंचे मम्मी रोटी नहीं बनाई, बड़ा पानी पीनेगा, आटा बड़ा महंगा हो गया, फिर भी मम्मी क्या करती है? रोटी बनाती है, क्यों? ये सब चीजें क्या है? नेसेसिटी से आप छूट नहीं सकते ना, तो नेसेसिटी की डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक। और लग्जरीज की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक, क्योंकि लग्जरी को आप कम ज्यादा कर सकते हो जरूरत के अनुसार, नेसेसिटी को कम ज्यादा नहीं कर सकते। फिर यूजेज ऑफ गुड्स, जिसके जितने ज्यादा यूज होते हैं ना उसकी डिमांड उतनी इलास्टिक होती है, जैसे मिल्क है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिल्क की डिमांड इलास्टिक होती है, क्योंकि मिल्क के ढेरों यूज है। देखो मैं गिनवाना शुरू करता हूँ, घर में पीते हो, चाय में डलता है, कॉफी में डलता है, कोल्ड कॉफी जो बाजार में मिलती है वो उसमें भी होता है, मिठाई में होता है, केक में होता है, पेस्ट्री में होता है, मक्खन, मतलब इतने सारे यूज है। तो अगर दूध का प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ता है, हर यूज थोड़ा थोड़ा भी कम हो जाए तो काफी डिमांड कम हो जाएगी, और थोड़ा सा भी गिरता है, हर यूज थोड़ा थोड़ा भी बढ़ जाए तो डिमांड काफी बढ़ जाएगी। चीज वगैरह मतलब गिन भी नहीं सकते इतने सारे यूज। तो ऐसी चीजें जिनके काफी सारे यूजेस होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। और जिसके कुछ यूजेस होते हैं डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। कैसा लगा? क्योंकि जिसके कम यूज है उसका रिएक्शन कम जगहों से आएगा, रिस्पॉन्स कम जगह से आएगा, तो इलास्टिक हो जाएगी। जिसके मल्टीपल यूज है रिस्पॉन्स मल्टीपल जगह से आएगा, तो इलास्टिक हो जाएगी। प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, किसी चीज पे अगर आप इनकम का बहुत थोड़ा हिस्सा खर्चते हैं, रिपीट, जैसे माचिस है, अपनी आमदनी का माचिस पे हम क्या खर्चते हैं? बहुत ही कम। तो माचिस के रेट डबल भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आप माचिस लेना छोड़ दोगे, अगर लेते हो तो माचिस सस्ती होगी तो जबरदस्ती माचिस ले लोगे, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि इतना कम खर्चा होता है कि हमारी सेहत पे उसका फर्क पड़ता ही नहीं, हमें असर ही नहीं होता, उसका प्राइस बढ़ जाए घट जाए, असर नहीं होगा तो रिस्पॉन्स भी नहीं होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक। पर जिस पर असर पड़ता है जिन चीजों पर, क्या उस पर फर्क पड़ता है डिमांड, जिसका अच्छा खासा हम बिल देते। कैसा लगा? मजा आया? फिर क्या डिमांड पोस्टपोन हो सकती है? अगर किसी चीज की डिमांड पोस्टपोन नहीं हो सकती तो उसकी डिमांड क्या होती है? इनइलास्टिक। अब एक पेशेंट है, बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने कहा भाई ये वाला इंजेक्शन लेवा नहीं तो मर जाएगा, तुमने पता करा इंजेक्शन का रेट डबल हो गया, तो तुम क्या सोचोगे? चलो बाद में लगवा ले, मरने दो बाद में लगवा ले, बाद में लगवाने की जरूरत पड़ेगी? अब इसकी डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, आपको लगवाना ही पड़ेगा।
नहीं तो बेकार हो जाएगा। जैसे लोहा लग जाता है हाथ पे, तो टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है कितने घंटे में, 24 घंटे। अब इंजेक्शन महंगा हो गया, कह रहे 3 दिन बाद सस्ता हो जाएगा, तो 3 दिन बाद थोड़ी इंजेक्शन लगवाओ, तब उसकी फायदा होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी डिमांड पोस्टपोन हो नहीं सकती। तो उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। पर जिसकी डिमांड पोस्टपोन हो जाए क्या, वो क्या हो जाती है, इलास्टिक। कई लोग मूवी जो है शुरू में नहीं देखते, कहते भाई शुरू में रेट ज्यादा होता है सिनेमा हॉल को, थोड़ा रेट गिर जाता है तो पोस्टपोन हो सकती है। कैसा लगा? अच्छा, इसका ना कंपैरिजन जनरल प्राइस से भी होता है। देखो हर चीज की कीमत मान लो 25% बढ़ गई है, रिपीट, और एक पर्टिकुलर चीज उसकी कीमत 10% बढ़ी है, तो ध्यान से देखो उसकी कीमत और चीजों के मुकाबले कम बढ़ी है। तो बाकी सब चीजें तो 25% बढ़ी है ना, उसकी कीमत 10% बढ़ी है, तो उसकी कंपैरेटिवली कम बढ़ी है ना, तो लोगों को रिस्पॉन्स भी कंपैरेटिवली क्या होगा, लेस। लोग कहेंगे खास थोड़ी बढ़ी है, तो उसकी डिमांड इतनी कम नहीं। लेकिन अगर हर चीज की कीमत बढ़ी 25 और एक पर्टिकुलर चीज है जिसकी कीमत बढ़ गई 50, तो लोगों को वो ज्यादा पिंच करेगा, उसकी डिमांड फिर ज्यादा कम होगा। तो अगर जनरल प्राइस के मुकाबले कीमतों में ज्यादा चेंज आता है, रिपीट, ज्यादा चेंज आता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक। और अगर कम चेंज आता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इनइलास्टिक। राइट, जनरल प्राइस होता है सब चीजों की कीमत, सब चीजों की कीमतें मान लो 20-25% बढ़ी है, पर तू दूध पीता है दूध की कीमत 5% बढ़ी है, तो तुझे दूध ऐसा नहीं लगेगा कि महंगा हो गया, नहीं समझे? अरे सब बच्चों के मार्क्स बढ़ गए 100-100 नंबर, तेरे बड़े 5, तो तेरे पापा भंगड़ा डालेंगे, वो कहेंगे क्या बढ़े तेरे मार्क्स, एक चार्ट रहे 5 नंबर बढ़े भाई, सब बच्चे 100-100 ज्यादा लेके आए, एक और। अब सोचो किसी भी बच्चे के मार्क्स नहीं बढ़े, जितनी पिछली बार आए थे तो नहीं आए, और तुम्हारे 5 बढ़े, पापा क्या हो जाएगा, उसे कमाल एग्जाम्पल बनाओ ना डेली उसका, क्योंकि किसी भी चीज का एहसास कब होता है, जब दूसरों से कंपेयर करो। अब यह सुन, रिस्पॉन्स क्या है, एहसास की वजह से रिस्पॉन्स आता है। मान ले तू गाड़ी लेके आया, नहीं कौन सी लाएगा, मतलब कोई बता, रीजनेबल सी, रीजनेबल 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 स्विफ्ट लेके आया है बच्चा, कितना खुश होगा, इसके मन में कितनी उमंग होगी, जैसे इसने घर के बाहर स्विफ्ट पार्क करी, इसने देखा सामने संदीप मर्सिडीज लेके आ गया, इसका तो मूड ही क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। सोच के देख, एकदम मूड स्पॉइल, इमेजिन कर रहे कि तू उतरा स्विफ्ट से खुश खुश और देखा सामने मर्सिडीज से कौन उतर रहा है, संदीप राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखा गिरीश उतर रहा है बीएमडब्ल्यू से, तू एक लात मारेगा स्विफ्ट को, ये गाड़ी है भाई, गलत कह रहा, सही कह रहा, तेरा तेरे को फील ही नहीं आएगी कुछ, गाड़ी का मजा ही नहीं आएगा। हमारे तो स्विफ्ट लेके आया और तुमने देखा लेफ्ट साइड पे जो है संदीप नई साइकिल से उतर रहा है, गिरीश ने नया रिक्शा लिया है, तो तेरा तो दिल क्या हो जाएगा, अरे शांत हो गया, मैं स्विफ्ट ला, स्विफ्ट ला, नहीं मेरी बात सुनते। तो कंपेरेटिव है ना, अगर जनरल प्राइस के मुकाबले हमारा प्राइस ज्यादा चेंज होगा तो हम पे असर ज्यादा आएगा, तो हमारा रिस्पॉन्स ज्यादा होगा, तो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक। जनरल प्राइस के मुकाबले उसका चेंज बहुत हल्का सा है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा रिस्पॉन्स भी कम होगा, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। कैसे लगा बेटा? अब बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं इनकम और डिमांड का, किसका, इनकम और डिमांड। अच्छा ध्यान से सुनना, नॉर्मल जो रिलेशन होता है इनकम और डिमांड का, किसका, नॉर्मल रिलेशन, वो होता है पॉजिटिव। जैसे कई बार बोलते हैं कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो नॉर्मली पॉजिटिव होती है, रिपीट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली पॉजिटिव होती है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या पढ़ा था, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली नेगेटिव होती है, एक्सेप्शन में पॉजिटिव होती है, नेगेटिव क्योंकि वहां पर रिलेशन क्या होता है, इनवर्स, इनकम का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है।
तो फॉर्मूला तो इसका वही है जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बार मैं फिर भी करके दिखा देता हूं आपको। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। डिमांड का चेंज कह देंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 और इनकम का डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। 100 ने 100 को काटा तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, ये हो गया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम को कई लोग वाई से डिनोट करते हैं, किससे? और कई लोग आई से करते हैं। क्या सर आया मजा? तो मैंने यहां यही बताया, मीनिंग बताया, मीनिंग में यही बताया, ये रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड स्टडी करता है टू चेंज इन इनकम। रिपीट, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम अपॉन डिमांड, ओरिजिनल इनकम अपॉन ओरिजिनल डिमांड। कैसा लगा बेटा, मजा आ गया क्रॉस इसका इनकम इलास्टिसिटी का? अब मैंने इसके डिफरेंट केस बताए। पहला मैंने बताया कि इनकम इलास्टिसिटी जीरो कब होती है। इनकम इलास्टिसिटी जीरो तब होती है जब गुड्स नेसेसिटीज हो, जैसे दवाई है, या गुड्स हैबिचुअल। अब एक पेशेंट है वो दवाई खाता है, ठीक है ना, सर दर्द होता है, एक गोली खाता है, भाई साहब उसकी तनख्वाह बढ़ गई। रिपीट, उसकी तनख्वाह हो गई 5 गुना। कितनी हो गई? अब की बार सर दर्द हुआ, कहता ले खाली 5 गोलियां, 5 गोली थोड़ी खा लेगा भाई साहब, उसके बाद जीवन भर उसको सर दर्द, सभी दर्दों से क्या हो जाएगी? नहीं, मेरी बात सुन। इनकम बढ़ने से दवाइयाँ थोड़ी आदमी ज्यादा खाता है, या इनकम कम हो गई है तो यहाँ से कहा आधी गोली खा लेते, आधी गोली का फायदा हो गई। इसी तरह अगर किसी को सिगरेट पीने की हैबिट है तो उसकी इनकम बढ़ जाए तो भी वो छोड़ता नहीं उसको हैबिट, घट जाए तो भी वो छोड़ता नहीं उसको हैबिट। तो जो चीज़ नेसेसिटी हो या हैबिचुअल हो जाए जिसके आप, तो उस केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हो जाती है ऑलमोस्ट जीरो। क्या हो जाती है? नॉर्मल गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव का मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इसमें अलग अलग टाइप हो सकते हैं। एक हो सकता है इलास्टिसिटी जो है वो यूनिटी, यूनिटी मतलब अगर इनकम डबल होगी तो डिमांड भी डबल होगी, इनकम डबल होगी तो डिमांड भी डबल होगी। एक होता है जैसे लेस देन वन, मतलब इनकम अगर 20% बढ़ी तो डिमांड 10% बढ़ी। तो ये होती है जैसे नॉर्मली हो जाते हैं, जैसे नेसेसिटी टाइप, नेसेसिटी प्योर नहीं, नेसेसिटी टाइप, रोजमर्रा नेसेसिटी टाइप। जैसे आप पिक्चर जाते हैं तो डिमांड बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है, थोड़ी सी थोड़ा बेटर हो जाता है, खुले हाथ जिसे कहते हैं ना, थोड़ा हाथ खुला हो जाता है। रिपीट, खुले हाथ से खर्चते हो थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है। पर जो लग्जरी होती है ना, जो बिल्कुल लग्जरी होती है, उनका कई बार इफेक्ट क्या आता है? मोर देन वन। रिपीट, अब समझो एग्जाम्पल दो, जैसे तुम टैक्सी में जाते हो तुम्हारे 200 रुपये खर्च होते हैं। रिपीट, अब क्या होता है कि तुम तुम्हारी इनकम में 10,000 पर तुम्हारी बचत ही खास नहीं है क्या, तो तुम एक ही बार टैक्सी से जाते हो, बाकी टाइम बस पेमेंट। अब आपकी तनख्वाह बढ़ गई 20%, तो 10,000 से कितनी बढ़ गई? 2,000, तो एकदम हाथ खुला हो गया ना, और टैक्सी जाना तुम्हें अच्छा भी लगता है। अब तुमने एकदम 3 बार जाना शुरू कर दिया। रिपीट, तो तुम्हारे खर्च तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 400 रुपये, 200 रुपये लगते थे ना एक बार के, इनकम बढ़ी 2,000 का तुमने खर्चा किया सिर्फ 400, लेकिन तुम्हारी डिमांड टैक्सी की देखो 3 गुना नहीं होगी, जबकि इनकम कितनी बढ़ी थी? जस्ट 20%। डिमांड कितनी होगी? 3 गुना, बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसे वजह 200% बढ़ गई। तो जो चीजें थोड़ी लग्जरी टाइप में आती है ना, वो उनकी डिमांड क्या हो जाती है? मोर देन इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? मोर देन। इसमें नेसेसिटी कह लो या सेमी लग्जरी कह लो, क्या कह लो? नेसेसिटी काट दो चाहे सेमी लग्जरी कह लो,
जो थोड़ी सेमी लग्जरी टाइप होती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है थोड़ी सी ज्यादा। रिपीट, जैसे घर में अच्छे बिस्किट है, इनकम थोड़ी रीजनेबल है तो बहुत अच्छे बिस्किट नहीं आते, थोड़ी इनकम बढ़ जाती है अच्छे बिस्किट थोड़े ज्यादा आने शुरू होते, क्योंकि वो सेमी लग्जरी टाइप। नहीं मेरी बात समझे? सिर्फ दो क्लियर हुआ। अब नेगेटिव भी होती है, नेगेटिव होती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड। रिपीट, ये मैंने आपको बताया था गिफ्ट एंड गुड्स की डिमांड, याद है मैंने बताया था लास्ट एग्जांपल में डिमांड में बताया था। तो होता क्या है, जरा सुनना, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमें जो इन्फीरियर गुड्स हैं उनकी जगह हम अच्छे गुड्स लेते हैं तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है। जैसे समझो, सुन रहे बेटा, अब ये समझो, हम बस में जाते हैं और टैक्सी में जाते हैं। रिपीट, हम ही अभी ऑफिस में चार बार जाते हैं बस में और एक बार जाते हैं टैक्सी में, चार बार बस में जाते हैं और एक बार टैक्सी में। टैक्सी में उस दिन जाते हैं जिस दिन हमारा बॉस जो है पहले आया होता है, ताकि हम भी दिखे टैक्सी में आए। अब हमारी इनकम बढ़ गई तो हमने कहा चल यार अब टैक्सी में आराम भी आता है, चल अब दो दिन आराम कर दिया करेंगे। हमने टैक्सी में कितने दिन जाना शुरू कर दिया, दो दिन, तो बस का एक दिन कम नहीं हो गया, तो इनकम बढ़ी, बस में जाना बढ़ने की जगह कम हो गया, तो बस की डिमांड क्या होगी, नेगेटिव होगी। गलत कह रहे हैं? ठीक, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है आप देखोगे पहले वो मेट्रो या बस में जाते हैं फिर मोटरसाइकिल ले लेते हैं, तो मेट्रो और बस की डिमांड कम हो जाती है, मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ जाती है। अब लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं रोज ऑफिस, और संडे की संडे जब अपनी मैडम को घुमाने ले जाना होता है तो गाड़ी में जाते हैं। अब इस लेवल के ऊपर मोटरसाइकिल इंफीरियर है और कार जो है वो सुपीरियर है, तो अब वो क्या एक दिन बस कार पे जाते थे मैडम के साथ जाना कि चलो यार कार पे अच्छा लगता है, ऐसे वो पीछे बैठे हैं बात ही नहीं हो पाती ढंग से और अजीब सा लगता है कार पे जाने से। अब इनकम बढ़ गई तो वो क्या सोचते हैं, चलो एक दिन ऑफिस भी चलो कार पे जाना चाहिए, दोस्तों को पता चलना चाहिए मेरे पास कार है, तो अब क्या होगा, कार की डिमांड बढ़ गई लेकिन मोटरसाइकिल की डिमांड कम है, तो इनकम बढ़ रही है मोटरसाइकिल की डिमांड कम है, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा लगा बुरा लगा, समझ आ गया? तो नेचुरल में ये होता है जब इनकम बढ़ती है तो हम सुपीरियर गुड्स की कंजम्पशन बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से इन्फीरियर गुड्स की कंजम्पशन कम कर देते हैं, इसलिए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, नेगेटिव। अब एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्रॉस होता है, दो अलग अलग चीजों को लेना, यानी तुम प्राइस ले लो कोक का, छोड़ो बढ़िया एग्जाम्पल, प्राइस ले लो आप टी का और डिमांड ले लो ऑफ कॉफी, कौन से गुड्स हो गए, सब्स्टिट्यूट्स। अब अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ कॉफी कम हो जाएगी ना, तो ये कौन सी इलास्टिसिटी हुई? नहीं नहीं गलत बोल रहे, क्या कर रहे हैं आप, कम कैसे हो जाएगी, बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं, मोहित चांटा लगेगा, गलत बात बोला था सर, क्वांटिटी और कॉफी जो है वो बढ़ जाए, प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो लोग चाय छोड़ के कॉफी पियेंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अब ये वाला इलास्टिसिटी क्रॉस मोर देन जीरो आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों चीजें बढ़ गई। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल देखो, कई लोगों को ना चाय में ज्यादातर लोग चाय के साथ बिस्किट पसंद करते हैं, कई लोग तो वैसे डुबा के डुबा के, आपको आप से कौन चाय में बिस्किट डुबा के खाता, नहीं खाता, ये अच्छा खाता, कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, इवन ऐड भी आती है चाय में बिस्किट नहीं डुबोया तो चाय में बीच में गिर जाता है, अपने अपने टेस्ट है, लोगों को चाय में बिस्किट का बड़ा मजा आता है। मैं बड़ा अच्छा किस्सा सुना रहा हूँ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता चाय में बिस्किट डाल के, और कोई मेरे सामने भी इतना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक बार मैं एक इंटरव्यू बोर्ड में बैठा था, मैं इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर हूँ, तो टीचर सिलेक्शन बोर्ड था, तो उसमें चेयरमैन साहब भी बैठे थे, प्रिंसिपल साहब भी बैठे थे और गेस्ट टीचर्स भी आए हुए थे, मैं भी आया हुआ था, तो मैं ही बैठा हुआ था, तो चाय आई, चाय के साथ क्या है, बिस्किट।
अब मैं चेयरमैन साहब की तरफ बात कर रहा था, उनकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, बात हो रही थी, तो चेयरमैन साहब ने बात में बीच में बिस्किट उठाया, चाय में डूब गया, यार छोड़ यार, मैंने अपना मुंह इधर कर लिया, प्रिंसिपल साहब की तरफ, किसकी तरफ, तो कहने का मतलब ये कि अपना अपना टेस्ट होता है। तो उससे वो एग्जांपल मुझे याद है, वो किस्सा, तो उससे मैंने ये एग्जांपल बनाया हुआ कि अगर प्राइस ऑफ टी जो है, प्राइस ऑफ टी ले लो और डिमांड ऑफ बिस्किट्स, तो आप ये मान के चलिए हर एक कप चाय के साथ लोग 5 बिस्किट खाते हैं, रिपीट, 5 बिस्किट खाते हैं। अब अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ टी कम होगी, तो साथ साथ डिमांड ऑफ बिस्किट भी तो कम हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, ऑपोजिट। तो इधर अगर आप क्रॉस इलास्टिसिटी निकालोगे तो वो लेस देन 0 आएगी और वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव। समझ आ गया, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब दो डिफरेंट गुड्स का एक का प्राइस एक की डिमांड ले, चाय का प्राइस ले लिया, कॉफी की डिमांड ले ली, वहां तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। चाय का प्राइस ले लिया और बिस्किट की डिमांड ले ली तो वहां इलास्टिसिटी क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिवली रिलेटेड है। कैसा लगा, सब जगह क्वांटिटी ली, अबे क्वांटिटी और डिमांड एक ही बात तो है यार, तू तो मजे ले रहा है। कह रहे कल आप कह रहे थे जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, आज आप कह रहे हो कृष्ण, आज आप कह रहे हो कन्हैया का जन्मदिन है। क्वांटिटी कह लो या डिमांड एक ही तो बात है। लिख लिया बेटा, कैसा लगा बच्चे, चलो बाकी इसमें भी वही है, इसमें हम क्या करते हैं मॉड निकाल लेते हैं, रिपीट, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मॉड निकाल लिया, अगर वो लेस देन 1 आई तो इन इलास्टिक मतलब रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कम, और अगर वो मोर देन 1 आई तो इलास्टिक। तो ये रूल इसमें भी लगेगा, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में, और इसमें भी लगेगा। ये तो कोई एग्जांपल किसका था, कॉम्प्लीमेंट्री, एक्चुअली सब्स्टिट्यूट में तो आता ही आंसर पॉजिटिव है, रिपीट, कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव आता है, तो मॉड निकाल के देख लेते हैं कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक। कुछ चीजों की क्रॉस इलास्टिसिटी 0 आ जाती है, रिपीट, सुन रहे हैं बेटा तरुण जी, वो तब आती है जब गुड्स अनरिलेटेड हो, नहीं समझे आप, अब जैसे टमाटर का प्राइस बढ़ गया, रिपीट,
तो कंप्यूटर की डिमांड पे क्या असर आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या आ जाएगी? जीरो। कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं ना। जी सर जी, टमाटर का प्राइस बढ़ गया तो मोबाइल की डिमांड पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यमन कह रहे हैं नहीं, मोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग मोबाइल में टमाटर की फोटो लगा के खाना खा लेते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। चले सोच रहा आगे बात समझ में। इसलिए मुश्किल इंटरेस्टिंग लग रहा होगा इकोनॉमिक्स। अभी चलते वही सारा फॉर्मूला बना दिया, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ड्राइव कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा, साइड में कर देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। नहीं समझे आप? तो डिमांड फॉर एक्स को कह देंगे क्यू एक्स अपॉन क्यू एक्स इंटू सौ, प्राइस के क्या कह देंगे? डेल्टा पी वाई अपॉन पी वाई इंटू सौ। सौ ने सौ को काटा तो डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। तो डेल्टा क्यू एक्स हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी वाई हो जाएगा चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, और डेल्टा क्यू एक्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। पी वाई हो गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ पी वाई कमोडिटी, और क्यू एक्स हो गया ओरिजिनल डिमांड ऑफ एक्स। फिर बाकी मैंने बता ही दिया था कि अगर ये पॉजिटिव आता है तो गुड्स क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट्स। अगर ये नेगेटिव आता है तो गुड्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर ये जीरो आता है तो गुड्स क्या होंगे? अनरिलेटेड। इसके अलावा मैंने बताया ये भी कि मॉड निकाल के देख लो, वन से ज्यादा आ रहा है या कम, वन से ज्यादा आ रहा है इलास्टिक, वन से कम आ रहा है इनइलास्टिक। मजा आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर हो गया थोरली? श्योर? पक्का?